छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शिकारपुर स्थित बंगले में सोमवार को पुलिस टीम पहुंची, जिसने उनके निज सचिव आरके मिगलानी से पूछताछ करने के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की है। दरअसल पूरा मामला भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू और सुदेश नागवंशी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुदेश नागवंशी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कमलनाथ के निज सचिव राजेंद्र कुमार मिगलानी और एक अन्य सहयोगी द्वारा भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की छवि धीमी करने के उद्देश्य से उन्हें एक तथाकथित वीडियो वायरल करने के लिए दिया गया था। इस वीडियो को वायरल करने के एवज में 30 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। सुदेश नागवंशी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकारपुर पहुंचकर मामले की जांच की, जिसके बाद कमलनाथ के निज सचिव आरके मिगलानी और उनके सहयोगी एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने बताया कि उनका ये फर्जी वीडियो फोटोशॉप AI तकनीक और कूटरचित वीडियो बनाने वाली तकनीकी से बनाकर कमलनाथ के निज सचिव आरके मिगलानी और उनके सहयोगी द्वारा वायरल किया गया है। ये वीडियो पूर्णतः फर्जी है। उन्होंने वीडियो वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने पुलिस में शिकायत की। मैं तो एक जन्म देने वाली माँ हूँ, जिसने सिर्फ जन्म दिया है। असली माँ नर्मदे दादा जी दूनी वाले और माँ शक्ति का पर्व चल रहा है, उनका बेटा है। उनने उसको दया कृपा करके उस लायक के जन कल्याण के लिए उतारा है। प्लीज उसको इतना मानसिक परेशान ना करें, और यदि आप लोग करेंगे ना तो वो परमात्मा का बेटा है, उसका बदला परमात्मा लेगा। अब कितना करेंगे आप चुनाव जीतने के लिए? पैसों की आप बारिश करवा रहे हो और मेरे को लेकर के इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके पहले भी ऐसे षड्यंत्र रचे गए। आज छिंदवाड़े की जनता हमारे साथ में है और इनको अपनी हार दिख रही है। तो जो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर का नेता रहा हो, इतना मान सम्मान छिंदवाड़े की जनता ने दिया हो, इतना प्यार उनको दिया हो, तो छिंदवाड़े के एक बेटे के साथ ऐसा षड्यंत्र रच के यह कार्य कर रहा है, ये दिखाता है कि वो किस स्तर तक जा सकते हैं। हमें मर्यादा में, हम लोग हमेशा मर्यादा में रहकर के हमने काम किए हैं, नहीं तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। इनके बारे में कस्टम में इनके द्वारा क्या पकड़ा आया था, मामले बने थे, अखबारों में उसकी खबरें छपी, इनको पेनाल्टी हुई, इनको उसका भरना पड़ा। किससे शादी हुई छिंदवाड़े में? हजारों लोगों को रिसेप्शन में, लाखों लोगों को रिसेप्शन में बुलाया गया था, आज वो कहाँ पर है? और पत्नी बन के कौन प्रचार कर रही है? ये बात भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमने कभी मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आरके मिगलानी ने एक हमारे प्रतिष्ठित समाज की बेटी को बुढ़ापे में रख के रखा, तो ये सारी बातें हम कभी करना नहीं चाहते थे। हम अपनी मर्यादाओं में रहना चाहते थे। हमने कभी, आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव भी हमने लड़े और अभी भी हमने मर्यादाएं तोड़ी नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये इतने नीचे गिर रहे हैं, एक छिंदवाड़े के बेटे को हराने के लिए इतने नीचे गिर करके ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए। आज छिंदवाड़े की जनता ये सब देखेगी क्या, अगर उनके बच्चों के खिलाफ अगर ऐसी चीज़ें हम बना करके करें। आज AI से और फोटो शॉप से अगर आप ऐसा करोगे, कोई भी कर सकता है इनके बेटे के खिलाफ, तब क्या जवाब देंगे इनके हमने इनके OSD आरके मिगलानी और सचिन गुप्ता जो जी न्यूज़ के पत्रकार भी हैं, इनके द्वारा षड्यंत्र रचा गया और उसके वीडियो भी मेरे पास है। उसके वीडियो भी मैं दिखा रहा हूँ आरके मिगलानी के और इनके, जिस तरीके से इनने वहाँ पर पत्रकारों को बुला करके ये सब चीज़ें दी। ये वहाँ पर षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचने का काम कर रहे थे। ये सचिन गुप्ता ने वहाँ पत्रकारों को बुलाया। मुझे 13 तारीख को सचिन गुप्ता जी का फोन, व्हाट्सएप के माध्यम से फोन आया। उन्होंने कहा कि शिकारपुर कमलनाथ जी के बंगले में आपको बुलाया गया है
तो मैं वहाँ पर गया 10:11 में, वहाँ पर आर के मिगलानी से हमारी बात हुई, जिसमें एक बंटी साहू भाजपा प्रत्याशी उनका वीडियो बने हुए, और जो कि वो वीडियो एक पूरी तरह से फर्जी था, और उनके एवज में मुझे 20 लाख रुपए की डालने के लिए, ग्रुपों के माध्यम से डालने के लिए बोला गया था, जिसमें मैंने वो वीडियो नहीं डाला। और मैंने उस वीडियो को देखा, जांच किया, तो मेरे को वो फर्जी वीडियो लगा, तो मैंने उसकी शिकायत डायरेक्ट अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष कर रहा हूँ। ये तुम लोग किसी के माध्यम से